नमस्कार मेरा नाम है सागर आपका होस्ट और दोस्त एंड आज के इस वेबसाइट कंपटीशन में हमारे साथ हैं करण और अर्जुन इन दोनों को एक एक वेबसाइट के हीरो सेक्शन का स्क्रीनशॉट दिया जाएगा एंड देखेंगे कि कौन कितने जल्दी कोड करके एज इट इज वेबसाइट डिजाइन रेडी कर सकता है तो करण को आती है एस टीम एल और सी एस एस और जे एस एंड ये एक अच्छा कोडर भी है बट अर्जुन कोई प्रो कोडर नहीं है ये बस चैट जीपीटी जैसे ए आई टूल्स यूज करना जानता है तो आइए देखते हैं कि इसमें कितना हैदम एंड कौन कर पाता है सबसे जल्दी एक वेबसाइट रेडी करण ने कोड करना स्टार्ट कर दिया है एंड अर्जुन ने भी प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है ये क्या करण कछुए की स्पीड से कोड कर रहा है एंड अर्जुन ने चंद मिनटों में जीपीडी को अपना प्रॉम्प्ट देके कोड भी लिखवा लिया अरे भाई साहब करण अभी तक बस एक नेव बार कम्प्लीट कर पाया है एंड अर्जुन का हीरो सेक्शन कम्प्लीट हो गया कोड भी तैयार हो गया कॉन्ग्रेचुलेन अर्जुन ए टूल्स ने आई मीन आपने ये कर दिखाया करण जिसको फ्रंट एंड आता है वो तो कंपटीशन हार गया बट अर्जुन जिसको कोडिंग बहुत थोड़ी आती है और एआई टूल्स बहुत अच्छे से आते हैं वो कंपटीशन जीत गया क्या मतलब अब मार्केट में प्रोग्रामर्स डेवलपर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनकी कोई डिमांड नहीं क्योंकि सारा काम तो ए आई ने कुछ मिनटों तो में कर दिया इस वीडियो में हम देखेंगे की क्या ए एक्चुअल में प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर रहा है और अगर कर रहा है तो वो कौन से रोल्स है जो रिप्लेस हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं एंड ए वो कौन से टास्क नहीं कर सकता जो सिर्फ एक ह्यूमन कर सकता है क्या आपको ए के साथ काम करना सीखना चाहिए या उसे इग्नोर करना चाहिए ए का इम्पैक्ट कैसे पड़

कर चुका है तो इन शॉर्ट अगर मैं आंसर कहूँ नहीं एंड नेवर यही का काम रिप्लेस करना नहीं है बल्कि असिस्ट करना है टूल्स जैसे गिटअप को पायलट और ओपन कोडेक्स आज के डेवलपर्स की जल्दी कोडिंग करने में और एफिशियंट कोड करने में हेल्प कर रहे हैं ये टूल्स मशीन लर्निंग का यूज करके आपके कोड को प्रिडिक्स करते हैं और सजेशन देते हैं और जो रिपेटिव टास्क होते हैं आपके कोड में उनको अपने आप समझ के ऑटो तो कम्पलीट भी कर देते हैं अब अबलेट से मुझे एक का प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे कुछ फंक्शन क्रिएट करना है इट मीनस की मुझे फंक्शन की बॉलर प्लेट को बार बार मेनुअली कोड करके लिखना पड़ेगा अब ऐसे में मेरा टाइम भी जाएगा प्लस मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी क्योंकि मैं एक ही एक चीज को बार बार करने वाला हूँ तो मैंने वी एस कोड में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया कोडियम जो कि मुझे कोड करने में असिस्ट करता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है जस्ट मेरा फेवरेट एक्सटेंशन इसलिए बता रहा हूँ आप भी इसका यूज कर सकते हो अब जैसे ही मुझे एक फंक्शन बनाना है तो मैंने सिर्फ डेफ लिखा एंड हीयर इज द बॉयर ब्रेड जो ऑटोमेटिकली कोडियम ने लिख दिया है एंड सिमिलरली अगर मैं कोड करते मिसपेल की वर्ड लिखता हूँ गलती से तो यह ऑटोमेटिकली उसे हाईलाइट भी कर देता है लाइक like दिस अगर आप बिना किसी एआई टूल के कोड करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा प्रोडक्टिविटी भी कम होगी बट अगर आप एक बिगनर हो तो मैं इनिशियल स्टेज पे कभी रिकमेंड नहीं करता की आप एकदम से ए आई टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दो थोड़े से जब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ तब आप स्टार्ट कर सकते हो इसका यूज करें एंड अगर आप ए आई के साथ कोडिंग करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा एंड साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी पहले से काफी ज्यादा

इंसान ही कर सकते हैं ए सिर्फ बेसिक टास्क ही कर सकता है बट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी मान लेते हैं कि आप एक कोडिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हो अब उस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाना है प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी ये चीज सिर्फ आप ही कर सकते हो ए टूल नहीं कर सकता अब यही बस आपको इसको फास्ट और एफिशियंट तरीके से सोल्व करने में एक हेल्प दे सकता है परसपेक्टिव टू ए इज अ हेल्पर नॉट अ रिप्लेसमेंट हेडी सीईओ ऑफ का कहना है ए आई कैन ऑटोमेट सिंपलर रिपीट टास्क बट वेन इट कम टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्विंग और मेकिंग क्रिएटिव कोडिंग डिसीजन ऑफ ह्यूमन इज स्टिल मतलब है की ए आई सिंपल और रिपिटेटिव टास्क जो है सिर्फ उनको ऑटोमेट कर सकता है लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्विंग या क्रिएटिव कोडिंग डिसीजन की तो इंसान का रोल अभी भी वहाँ पे जरूरी है इसका मतलब यह हुआ की ए आई अभी तक ह्यूमन क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता यह बात क्लियर है की एआई जूनियर लेवल प्रोग्रामर्स के काम को स्पीड अपनी फास्ट कर रहा है लेकिन सीनियर डेवलपर्स के लिए ए आई सिर्फ एक टूल ही है एडवांस कोडिंग टास्क जिसमें सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन या फिर इन डिसीजन की जरूरत होती है तो वो ए नहीं कर सकता उन में अभी भी humans की जरूरत है अब कुछ लोग ये बात सुनकर डर गए होंगे की भैया जब ये ए टूल सब कुछ सोल्व कर ले रहा है तो हमारी जरूरत ही क्या है? जरूरत है क्योंकि ये आई को जब आप एक वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बनाने बोलोगे तो ये वहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि रियल वर्ल्ड कोडिंग में सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं होता बल्कि क्रिएटिव आई

पायथन प्रोग्राम एंड ये पायथन मास्टरी का प्रोग्राम एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड लेके जाएंगे एकदम एडवांस इंडस्ट्री लेवल तक एंड ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इन दिसन ऑफ दिस प्रोग्राम की डिटेल्स जानने के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है चेक कर लेना सो बैक टू द टॉपिक पर्सपेक्टिव टॉपिकॉब ए आई टूल्स जैसे कि टैब नाइन और रेपलेट ने ए आई कोडिंग इंडस्ट्री में भाई साहब अलग धमाका मचा रखा है अलग ही नेक्स्ट लेवल रेवोल्यूशन ला दिया फॉर एग्जाम्पल टैब नाइन आपको कोड लिखते टाइम लाइव सजेशन देता है मतलब आपको हर लाइन मैनुअली टाइप करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी ये ए आई आपके कोड करने के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है की क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो देन कोड को प्रेडिट करके आपको वो अपने सजेशन देता है है। और इससे आपकी कोडिंग स्पीड भी टू हो जाती है लेकिन ये टूल सिर्फ रिपीटेटिव और बेसिक कोडिंग टास्क में आपकी हेल्प कर सकते हैं है सकते हैं जिसमे बेसिक कोडिंग सबसे ज्यादा रिस्क पे है जूनियर लेवल जो सिंपल टेस्टिंग जैसे टास्क करते हैं उनका काम ए आई कर सकता है एक रियल वर्ल्ड एक्साम्पल देता हूँ जैसे ऑटो गूगल का ए टूल है ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग को बिल्ड करता है लेकिन जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन बनाने की बारी आती है जैसे मॉडल को कस्टमाइज करना या फिर यूनिक डेटा प्रॉब्लम को सोल्व करना तब वहाँ ये ए हार मान जाता है तो भैया ए ह्यूमन डेवलपर्स का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता क्योंकि क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजी और प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए अभी भी इंसान का रोल जरूरी है परसपेक्टिव फॉर ए आई एंड प्रोग्रामर्स विल वर्क टूगेदर ए का फ्यूचर प्रोग्रामिंग में एक हाइब्रिड मॉडल की तरह देखा जा रहा है मतलब जब आप कोडिंग करोगे तो बेसिक टास्क जैसे कि कोड ऑटो कंप्लीट करना डी करना ये सब ए करेगा एंड आपका काम रहेगा बस क्रिएटिव सोचना

वो सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं एंड वही काम आपका भी है यानी कि देखो प्रॉब्लम सोल्व करते है बट क्रिएटिव सोचना प्रॉब्लम को करना ये स्किल्स भी आपको ग्रो करनी चाहिए अब ए टूल्स चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए लेकिन इनको हमेशा ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाते हैं जिन्हें ए खुद से समझ के सोल्व कभी नहीं कर सकता उसके लिए तो डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ए काम ऑटोमेट करना है लेकिन क्वालिटी कंट्रोल और इनोवेशन सिर्फ ह्यूमन्स कर सकते हैं दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये समझ ही गए होंगे सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो कि आपका काम आसान करने के लिए है जैसे टास्क करना करना एंड जब ये काम आपका एआई कर रहा होगा तब आप अपना टाइम बिगर प्रॉब्लम को सोल्व करने में इन्वेस्ट कर पाओगे क्रिएटिव थिंकिंग कर सकोगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कर पाओगे यानी कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाओगे मेरी एडवाइस ये है की अगर आप प्रोग्रामर हो जो कोडिंग सीख रहा है या फिर ऑलरेडी कोड करते हो तो अपने आप को एडवांस स्किल में इम्प्रूव करो जैसे कि सिस्टम आर्किटेक्चर स्ट्रेटेजिक डिजाइन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो स्किल्स है जिनकी फ्यूचर सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है एंड आज भी है तो तो यार आपके क्या थॉट्स हैं हैं कमेंट करके शेयर कर दो एंड एंड जो ये कुछ कहते हैं कि विल रिप्लेस प्रोग्रामर्स ऑल इनकी बात को वैसे इग्नोर करो जैसे आपको आपकी क्रश करती है पार्ट ऑफ जोक बट ए के साथ कोडिंग करने की आदत डालना स्टार्ट कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एंड बेल आइकन दबा दो ताकि पता चल सके की न्यू वीडियो आ गई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग